मैंने अपने इस सीमित अनुभव में कभी नहीं देखा कि कोई एजेंसी, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, कोई भी हो, क्या यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर हैं? उत्तर हां। दसों साल से हैं, ऑफिशियल है, कागजी है। दूसरा प्रश्न, क्या यंग इंडिया शेयर होल्डर है एजेएल का? उत्तर हां। दशकों से रहा है, हमेशा से है, कागजों में है, आरओसी के पास है। तीसरा प्रश्न, आप यंग इंडिया के डायरेक्टर या शेयर होल्डर के हैसियत से क्या एजेएल के एसेट्स को मालकाना हक रखते हैं या कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं? अब यह बड़ा रोचक प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर तो कानून में 1955 में लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने 1955 से और वोडाफोन के निर्णय ने 2012 में वापस दोहराया उसको, कि अगर मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर उस कंपनी का 100% शेयर होल्डर भी हूं, तब भी उस कंपनी के बैंक अकाउंट या एसेट्स का मैं मालिक नहीं हूं। शेयर होल्डर का उस पर मालिकाना हक और नियंत्रण नहीं होता है। तो न यंग इंडिया नेशनल हेरल्ड के एसेट्स की ओनर है, न राहुल गांधी, सुमन दुबे, मिसेस सोनिया गांधी उसकी मालिकाना हक या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति हैं। ये कानून में लिखा है, 1955 से लेके 2012 में दोहराया उच्चतम न्यायालय ने। तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे और कितनी बार ये प्रश्न पूछेंगे, और 55 घंटे में आपको ये समझ नहीं आएगा? चौथा प्रश्न, कि आपको मान्यवर कोई फायदा हुआ इस डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग से? तो राहुल गांधी जी का जवाब तो वही रहेगा, अरे भाई अगर फायदा मैं करवाना भी चाहता और कोई फायदा देना भी चाहता तो कानून के अंतर्गत सेक्शन अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 25 वाली कंपनी में कुछ हो ही नहीं सकता। ना आप सैलरी दे सकते हो, ना पर्क्स दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फायदा का कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप बार बार? ये कानून में लिखा है, वो कंपनी जिस प्रावधान में बनी उसमें लिखा है। कितनी बार आप, इसका मतलब अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय है कि ये 55 घंटे और 5 दिन सिर्फ हैरेसमेंट है, प्रतिशोध है, ये संवैधानिक या कानूनी नहीं है, ये निजी है, ये निजी प्रतिशोध है, भय है। क्योंकि राहुल गांधी सबसे लंबे समय से अनिवार्य रूप से हर मुद्दे पे आपका सामना करते हैं, आपको सच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, और आपको वो पसंद